रियासत आंध्र प्रदेश के पांडियम के हल्के के रुकनी असेंबली एमएलए काटासानी राम भूपाल रेड्डी का 62वां यौम पैदाइश का दिन यानी 62nd बर्थडे को उनके चाहने वाले और उनके करीबी ने बड़ी ही धूम से मनाया, जिसमें खसूसन का एमएलए काटासानी राम भूपाल रेड्डी के यौम पैदाइश के जश्न को कर्नूल मेयर बी वाई रामैया ने अपने दफ्तर में मनाया और दीगर हजरात ने इनका सालगिरह दीगर मुकामों पर मनाया, जिसमें एमएलए काटासानी राम भूपाल रेड्डी के करीबी मुस्लिम लीडर इलियास अहमद ने भी इनका सालगिरह के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी 300 से जायद गरीबों को इस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए बेडशीट्स को तकसीम किया, जो इस बार की कड़ाके सर्दी में वो बहुत ही अहमियत रखते हैं। और इन बेडशीट्स को लेकर गरीबों ने इलियास अहमद और एमएलए काटासानी राम भूपाल रेड्डी को दुआओं से नवाजा। नाजरीन, आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम शहर कर्नूल के पांडियम हल्का 37 वार्ड यानी 37th वार्ड वीकर सेक्शन कॉलोनी में मुनक्कद किया गया, जिसमें छोटे मासूम बच्चे और मुस्लिम्स के बीच एमएलए काटासानी राम भूपाल रेड्डी ने इलियास अहमद के साथ मिलकर केक काटा और उनकी खुशियां इन मासूम बच्चे और कॉरपोरेटर्स के साथ बांटे। और वही कर्नूल मेयर बी वाई रामैया ने इलियास अहमद के इस दिलदार और इंसानियत बढ़ाने के काम को देखकर सराहाया और कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी इनका खास ख्याल रखेगी। और माइनॉरिटी लीडर इलियास अहमद ने कहा कि एमएलए काटासानी राम भूपाल रेड्डी ने अवाम की हर परेशानियों को उनकी खुद की परेशानी समझकर मसलों को हल किया, जिसमें ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के कामों को उन्होंने बिला कोई ताखीर के अंजाम दिया, जिसके देख इलियास अहमद ने एमएलए काटासानी राम भूपाल रेड्डी का साथ देना शुरू किया। और इलियास अहमद ने कहा कि वो गुज़िश्ता 5 साल से इनके यौम पैदाइश पर गरीबों में कपड़े, बेडशीट्स, रेशन किट्स और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान बांट रहे हैं और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में वो अपने कमाई में से ज़्यादातर इन गरीबों में ही ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान तकसीम करेंगे। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।